जी ब्लॉगर। अरे मोंटिविया जानते हैं? कैसे नहीं जानेंगे, ऐसा बात कर रहे हैं। हाँ बस आ रहे हैं, बहुत भयंकर आदमी मिल गया है यहाँ पर। तो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज मोंटी ब्लॉग। कैसे हैं? तो आज एक कमाल का फिर से ब्लॉग है। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अभी अपने सैलून। मैंने अपने हेयर पे कुछ ट्रीटमेंट कराया था, वो क्या था, कैरेटीन कराया था ताकि हेयर मेरा जो डैमेज था वो सही हो जाएगा। तो फिलहाल अभी चल रहे हैं, अभी जस्ट अपने फ्लैट से उतर के नीचे गए और यहाँ लाइट का कंडीशन इतना घटिया हो गया है और मेंटेनेंस बहुत बुरा, लिफ्ट भी ख़राब पड़ा हुआ है और अभी तक किसी ने बनाया नहीं है। ये कंप्लेन मैं करूँगा आज इस वक्त। तो फिलहाल अभी हम और मेरा दोस्त, ये बचपन का दोस्त है, दोस्ती यारी साथ में निभा रहे हैं, आया था रांची घूमने तो इसके साथ जा रहे हैं। अभी मेरा गाड़ी तो उधर है, वरना तो हमने सेल कर दिया। आज आप लोगों को ब्लॉग में पता चल गया होगा, वरना मैंने सेल कर दिया एंड फिर मैंने न्यू कार ली। तो अभी चलते हैं फिलहाल सैलून। और धूप खतरनाक जहर वाला है, तो क्योंकि हेयर पे थोड़ा वॉश वगैरह करा ना, इसलिए जा रहा हूँ सैलून। भाई हमारे बैकग्राउंड में जो स्कूल दिख रहा है वो कमेंट करके बताना वो कौन सा स्कूल है। बहुत से लोग रांची के होंगे तो जानते होंगे, कमेंट करके बताना, मैं वेट करूंगा। ठीक है, दिख गया होगा बैकग्राउंड। नहीं तुम मत बताओ, जो यहाँ के लोकल होंगे वो जानते होंगे। तो भैया मैं अभी आया था अपने दोस्त के साथ कि भाई इसको सामान लेना, मारुति बहन का, और अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। ये पूरा सारा सामान यहाँ मिलता है। यस क्या बात है, कोई नहीं है क्या? हेलो, सब खाली दिख रहा है भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई। लगता है खाने वाने खाने गए क्या यहाँ पे। भाई देख सकते हैं गाड़ियों का सामान, एक से एक कटा हुआ गाड़ी जो कटता है ना, स्क्रैप गाड़ी का मिलता है सामान। ये भाई बहुत खतरनाक इलाका है उधर पकना में। ऐसा है ना कि मतलब कोई भी गाड़ी का सामान लेना चाहो तो आपको मिल जाएगा स्क्रैप में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी कटिंग होती है, अगर आपका कोई भी कार का सामान है तो वो मिल जाएगा। तो भाई ये अपना कौन, मारुति का है ये? मारुति बहन, मारुति बहन का ये रिम ले रहा है। कितना रेट बोला? कुछ कम नहीं होगा? थोड़ा और कुछ कम कर दीजिए। क्या चीज़ है? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या में काम आता है? इसे करंट पास होता है, इसी से सप्लाई होता है ना करंट में। जी ब्लॉगर। अरे मोंटिविया जानते हैं? कैसे नहीं जानेंगे, ऐसा बात कर रहे हैं। आए थे अपने दोस्त के सामान लेने। तो चलिए और बताइए। बहुत मजा आया मिलते हैं, पहचान हाँ। नहीं पाए, थोड़ा मोटे लग रहे हैं। मोटे हो गए हम लोग। हाँ बस आ रहे हैं, बहुत भयंकर आदमी मिल गया यहाँ पर। चलो भाई थैंक यू, अच्छा लगा मिलके। हमको भी बहुत अच्छा लगा। चलिए तो आप इधर आ गए थे, बस कुछ सामान वन लेने आया था। ये तो हब है, मतलब रांची में देखा जाए तो स्क्रैप के मामले में, स्क्रैप का कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सामान लेने का इधर ही आते हैं। तो ठीक है भैया आते हैं ना। तो भैया ने सब्सक्राइबर थे भाई, ऐसे ही मिलते रहते हैं। तो जैसे मैं सेकेंड हैंड गाड़ी का वीडियो बनाता हूँ आप लोगों को पता होगा, तो बट अब जो सेकेंड हैंड सामान लेना भी चाहते वो यहाँ आ जाना थरपकना में। कैसे जब आप पूछ के आओ, देखो कितना स्क्रैप का सामान लगा हुआ है। तुमको भी दो मिनट में मिल गया। दो मिनट? अच्छा वो रिम का रेट मैं बताऊंगा कि कितना में मैंने लिया, वो कितना बोल रहे थे। फिलहाल सेकंड हैंड सुई भी लेना हो तो अभी चलते हैं फिलहाल सैलून, बहुत लेट हो रहा है। और वो रिम का रेट मैं बताता हूँ थोड़ा देरी में, फिलहाल चले। हाँ फिलहाल चलते हैं। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में मेरे कितना बड़ा अगल बगल दुकान है। तो भाई ये थर पकड़ा में मिल जाएगा सारा स्क्रैप का सामान, कोई भी गाड़ी का। तो भाई किसी सब्सक्राइबर ने हमें आवाज़ दे दिया, लो भाई। हाँ भाई, अरे आमरस कैसे हो, देखते हो हमारा वीडियो? एकदम देखते, इसलिए आवाज़ भी दे दिए। अब अगर नहीं मुड़ के आते तो आप तो वीडियो डिसलाइक कर देते। तो ये आपका शॉप है, छोटा सा मिनी शॉप? चलिए पब्लिक के लिए सेवा कर रहे हैं, अच्छा लगा। तो हमारा पूरा वीडियो देखते हो आप भी ब्लॉग में आ गए हैं, ठीक है? चलो भाई तो लस्सी पीना घर में आम रस वो तो न्यूक्लियस के सामने। चलिए अच्छा लगा मिलके, फिर आते हैं उधर से। ये रहा सामने न्यूक्लियस मॉल। और धूप रांची की तगड़ा है, बट यहाँ का धूप और गर्मी क्या ना आदमी बर्दाश्त कर सकता है, बट अपने शहर का डाल्टनगंज का कभी नहीं बर्दाश्त ही नहीं हुआ। घर में पैक रहो ऐसा सीन रहेगा। ये बगल में बड़ा सा बिल्डिंग बन चुका है अभी,
बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है, निकलियस को टक्कर दे रहा है, बट ये निकलियस से हाइट पे ज्यादा है। अब मैं पहुंच गया हूँ अपना सैलून, तो हमारा सैलून आना था एकदम सिंपल सा फंडा है, ये रोड जाता है लालपुर की तरफ, लेकिन आपको हरिओम टावर उधर दिख रहा है, उसके जस्ट सामने है ली डिजायर कॉम्प्लेक्स, ये रहा। ठीक है, आप इसमें कमेंट करके बताओ कहाँ पे मोंटी ब्लॉक्स का बोर्ड दिख रहा है, सॉरी मोंटी सैलून का। तो भैया ये रहा हमारा मोंटी सैलून, मैं आ गया अपने सैलून, मेरा ये, अरे ये स्कूटी में हो रहा है शैम्पू। तो फाइनली मैं पहुंच गया अपना सैलून और मुझे हेयर ट्रीटमेंट कराना है, जो तो फैच करेगा, कैरेटिंग किया था, अभी फिर मास्क इसमें लगाएगा कि क्या करेगा, फिर से स्ट्रक्चर क्रीम एंड देखते रिजल्ट। स्ट्रेटनिंग नहीं कराया हूँ, ये प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे हेयर का, तो डैमेज हेयर है वो ठीक हो जाता है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट हो गया है, एंड मैंने कैरेटिंग कराया था, स्ट्रेटनिंग नहीं कराया था। ऐसा मत कमेंट कर देना भाई कि भाई आपका हेयर तो स्ट्रेट हो गया था, लेकिन नहीं, उसको 72 घंटे ऐसे रखना पड़ता है, जब आयरन होता है ना हेयर पे तो केमिकल जो लगता है कैरेटिन का उसको रखना पड़ता है, इसलिए वो स्ट्रेट दिखता है। बट अब मेरा हेयर स्मूथ हो गया है पहले से बहुत अच्छा, जो डैमेज था वो क्लियर हो गया है। स्ट्रेटनिंग भी बहुत जल्द कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और हेयर को बढ़ा लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये अभी थोड़ा जोरों शोरों से चल रहा है हेयर को बढ़ाना, अब ठीक है, कहीं पे हाथ भी नहीं फंस रहा है। तो ये होता है कैरेटिन, हो चुका है। अगर आप लोग भी आ सकते हैं तो मोंटी सैलून का इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग विजिट करिए, ऑफर भी चल रहा है अभी काफ़ी अच्छा खासा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, हम लोग को जाना है एक शूट पे, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है। बहुत से लोग होते हैं ना कि सैलून में आते हैं और हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं और उसको फॉलो नहीं करते, उसका रूल क्या है, उसमें क्या लगाना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। मान लो आप कैरेटिन कराते हो, मैंने सुना है ऐसे बहुत लोगों, हमारे दोस्त लोग भी कैरेटिन कराते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन बोलते हैं भाई आपका कैरेटिन सही नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको बहुत कुछ यूज़ करना पड़ता है। अब देखो मैं लोरियल का यहाँ पे शैम्पू लिया हूँ, ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है लेकिन ये हेयर के लिए ज़रूरी है। अभी ये लोरियल का ये शैम्पू है, साथ में आपको ये मास्क, समझ रही, सब महंगा महंगा है, और ये साथ में सीरम, तो ये तीनों मुझे अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर के हेयर सही सलामत रहता है। अब जैसे क्या होता है ना कि हेयर जब भी ऐसे, पहले मैं अपना फिंगर को ऐसे डालता था तो फंसता था, थोड़ा मोटा हेवी टाइप का, चिड़चिड़ा टाइप का लगता था, लेकिन अब जब से मैं ये लगा रहा हूँ, ये यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, आप अगर अपने हेयर को गाइड करोगे तो आपका हेयर बिल्कुल सही रहेगा। इधर उधर के शैम्पू ना लगा के ये सब लगाओगे, मास्क लगाओगे या फिर सीरम यूज़ करोगे अच्छे वाले, अच्छे क्वालिटी वाली, तो आपका हेयर परफेक्ट के सही रहेगा। ये नहीं कि एक बार कैरेटिन कराने के बाद सोचता है इंसान कि भाई मैं तो कैरेटिन कराया था अब मेरा ठीक हो गया, नहीं, वो जिस तरीके से आप अपने आप को ट्रीटमेंट देते हो ना, वैसे हेयर को भी ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तब आपका हेयर जाकर के सही होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही जैसे है वैसे ही चलता ही रहेगा। तो भाई ये ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सब भी काफ़ी थोड़ा कॉस्टली आ जाता है। बताऊंगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कि कितना कितना लगता है और कितने में मिल जाता है, अगर आप हमारे पास से लोगे तो, अगर बाहर ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कम भाई मैं कर दूंगा ही। चलो चलें।